हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इजी फैमिली व्लॉग्स। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहुत ठीक है, खैरियत से है और उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे। और फाइनली एक महीने के बाद मैंने आज व्लॉगिंग स्टार्ट किया है, क्योंकि मैंने ब्रेक ले लिया था एक महीने का। बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी भी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा था और मेरी भी तबीयत कुछ ख़राब थी, ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने शूट नहीं किया इतने दिनों से कुछ भी। और आज है नौज़िलहज, यानी कल है बकरा ईद, ईदुल अज़हा। तो मैंने सोचा इस मौके पर स्टार्ट कर देते हैं व्लॉगिंग फिर से, तो मैंने चालू कर दिया है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रोज़ा था, इफ्तार हो गया है और इफ्तार में आज था खीर पूरी और आलू की सब्ज़ी, माशाल्लाह बहुत टेस्टी बना था। और अब चल रही डिनर की तैयारी और कल की भी तैयारी करनी है, कल बकरा ईद है तो उसका भी सारा सब कुछ तैयार करके रखना है। मस्जिद का भी सारा काम देखना है मुझे, क्योंकि कल सुबह जल्दी नमाज रहेगी, लोग आ जाएंगे तो वो भी देखना है। तो देखेंगे अब क्या बनता है, तो बनिए रहेगा हमारे साथ एंड तक। तो फ्रेंड्स, रात के बज रहे एक, बच्चे अब अभी सो गए बच्चे लोग, तो हम लोग अभी बैठे मसाला कट करने के लिए। सारे ड्राई फ्रूट्स भिगा के रख दिए थे, काजू बादाम पिस्ता वगैरह सब कुछ, तो अब ये सब चॉप करके इनको सुखा के रखेंगे, सुबह उठकर घी में फ्राई करेंगे और शीरकुरमा बनाएंगे। और इस बार हम लोग अपना शीरकुरमा खुद बना रहे हैं, वरना अब तक हमेशा हम लोग अम्मी के पास नीचे करते थे ईद, इस बार हम खुद करने वाले। कभी कभी कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो इस बार हम लोग ऊपर कर रहे ईद, इंशाल्लाह अच्छी होगी। तो जल्दी से मसाला कट करते हैं और अगर टाइम मिलता है तो देखेंगे और कुछ बाकी काम जो करेंगे या तो फिर सो जाएंगे। मिलते हैं कल सुबह। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज है ईद के दिन, आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। और हम लोग अब तैयार हो गए हैं, वैसे नमाज 9 बजे है और अब हो रहा है 8:15। मुझे जाना है दूध लाने के लिए, पहले जाएंगे दूध लेकर आएंगे, तब तक ऐसे भी तैयार हो जाएगा, फिर हम लोग जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए और आपको मिलते नमाज के बाद। दूध लेने के लिए गए थे फ्रेंड्स, अभी जस्ट आए हो दूध लेने के लिए और नमाज़ के लिए सिर्फ 15 मिनट बाकी है, तो जल्दी से दूध घर में लेकर जाएंगे। लो जल्दी। तो फ्रेंड्स, सारी तैयारियां हो चुकी है, मैं नमाज जाने के लिए तैयार हो गया हूँ, दूध भी ला कर दे दिया है और मैंने पहना ये वाले कपड़े, ये मेरे ससुर साहब की दुकान से खरीदा था मैंने कपड़ा और उसने सिला लिया था इसे मेरे लिए, तो ये मैंने पहना है, नई चप्पल पहने हैं और आप जा रहे हैं नमाज के लिए, नमाज से आने के बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबको इजी फैमिली ब्लॉग्स की तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो, बकरा ईद मुबारक हो, अल्लाह ताला आपकी हमारी सबकी कुर्बानी कबूल फरमाए। फ्रेंड्स, नमाज हो गई, सब लोग नमाज पढ़ के बाहर आ गए, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है बाहर और हम भी आ गए नमाज पढ़ के। हो गई फ्रेंड्स नमाज, उम्मीद है कि शीरकुरमा भी तैयार हो गया होगा, नहीं भी अगर हुआ होगा तो बाद में पी लेंगे, जाएंगे कब्रिस्तान को ज़्यादा आएंगे। और यहाँ पर हुजैफा भी आ गया, डॉक्टर हुजैफा। ईद मिलता कि नहीं? सोच लिए कपड़े पहने, कपड़े ये देखो फ्रेंड्स, मैं आया शीरकुरमा पीने की ख्वाहिश में और अभी हमारा दूध ही गर्म हो रहा है। सिर्फ घर के लोग रहेंगे फ्रेंड्स, इसलिए ज़्यादा नहीं बनाया, सिर्फ 5 लीटर बनाया है। और ये पहले अलग निकाल के रखा है थोड़ा, क्योंकि इनके साथ अगर कभी दूध फट जाता है तो फिर वो यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मसाला डाला जा रहा है दूध में, मतलब शीरकुरमा अभी इतनी जल्दी बनेगा नहीं, अब हम जाएंगे कब्रिस्तान को, आने के बाद फिर पियेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए कब्रिस्तान, वहाँ पे कार पार्क कर दी है और ये हम लोग जा रहे हैं कब्रिस्तान की तरफ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा भीड़ नहीं होती बकरीद के टाइम पे, क्योंकि लोगों की कुर्बानी होती है तो अक्सर लोग नमाज़ पढ़ने से फौरन जाते हैं घर कुर्बानी के लिए। अस्सलामुअलैकुम या अहलल कुबूर,
यग़फिरुल्लाहु लना वलकुम। ये हम आगे कब्रिस्तान के अंदर फ्रेंड्स, और ये है मेरे अब्बा की कब्र। अब्बा की कब्र से होली आए फ्रेंड्स, अब ये सामने जा रहा है मेरा भांजा, तो उसके दादी और दादा की कब्र पे जा रहे हैं हम लोग। चलो जल्दी। हेलो हेलो चूचू, चोंच मारेंगे बेटा, वो चोंच मारते। फ्रेंड्स हम लोग आए थे मेरे भांजे के दादा दादी की कब्र पे, जो कि हमको मिली नहीं काम पर है, तो इसलिए वापस आ रहे हैं हम लोग। फ्रेंड्स हम लोग आ गए कब्रिस्तान से, आने तक शिरकुरमा तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, वापस गर्म के लिए रखा है। और यह मैंने उड़द दाल और बेसन मिलाकर इसके पकौड़े बनाए हैं। अम्मी को बुलाया, अम्मी भी आ रहे हैं, पकौड़े भी बनाएंगे, अब साथ में सब लोग मिलकर खाएंगे शिरकुरमा। तो फ्रेंड्स हम लोग बैठे शिरकुरमा टेस्ट करने के लिए, यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, यहाँ पर अम्मी बैठी है, और ये पापड़ बना लिए हैं, भजे बनाए थे ख़त्म भी हो गए। जैनब तफू कैसा बना जैनब शिरकुरमा? भजे कैसे बने थे? पापड़ी कह रहा था उसे पर पापड़ क्या जैनब का? जैनब आपके बाल बहुत लंबे लग रहे हैं, कौन सा शैम्पू लगाते हैं आप? सनसिल्क लगाते हैं। आपके अब्बू कहाँ गए? तीन बज रहे फ्रेंड्स, जोर की नमाज हो गई है, सब कुछ हो गई है, और बारिश भी आकर गई है, मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है, बच्चे गेम खेल रहे हैं मोबाइल पे, और यहाँ पे बन रही है चपातियाँ, यहाँ पे चावल है, और गोश्त आ गया तो कुर्बानी का किसी का, उसी का हमने यहाँ पर सालन बना लिया, सब खाना खाएंगे। फ्रेंड्स शाम के 7:15 बज रहे, दोपहर में खाना वगैरह खा के मैं सो गया 4:30 बजे, तो अभी उठा हूँ 6:30 बजे, अभी जस्ट असर की नमाज़ पढ़ी है। आप देख सकते हो मेरा चेहरा कैसा पूरा फूला फूला लग रहा है। हाँ, 2 घंटे मस्त सो के उठा हूँ, क्योंकि कल रात को बहुत लेट सो गए थे हम लोग, 3 बज गए थे सोने के लिए, फिर सुबह फजर की नमाज़ के लिए उठा, फिर उसके बाद में और 1 घंटा सो गया था, तो ठीक से नींद नहीं हुई थी मेरी, तो अब सो गया था, तो मैं अब जस्ट उठ के असर की नमाज़ पढ़ ली, थोड़ा सा शिरकुरमा पियूँगा, मगरिब का वक्त हो जाएगा 5-10 मिनट में, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे, और आज शाम को बिरयानी बनाने का प्लान है, और बहन को मिलने जाना था एक्चुअली, जो मेरी सोलापुर में बहन रहती है, उसके रिलेटेड एक सैड न्यूज़, शॉकिंग न्यूज़ आज सुनने में आई है, कि उसको एक्चुअली लास्ट टाइम जब आई थी तो उसका वेट लॉस हुआ ऐसा दिख रहा था मुझे, तो मैंने उसे बताया कि तू डाइटिंग वगैरह कुछ कर रही है क्या? तो बोली कि नहीं मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, बोले तो चेहरा एकदम बारीक लग रहा है, तू भी थोड़ी सूख गई है। फिर अम्मी ने भी बोला कि हाँ थोड़ा वज़न कम लग रहा है तेरा, तो उसने थोड़ा डाउट आया तो उसने चेक करा लिया, तो उसे आज पता चला कि कल के उसे डायबिटीज़ हुआ है, और 250 अबव है डायबिटीज़, तो थोड़ा आज सुबह सुबह न्यूज़ ख़राब न्यूज़ सुनने मिली, तो उसको मिलने के लिए जाना है, तो जाएंगे देखेंगे इंशाल्लाह, जाकर उसको मिल कर आएंगे। अब उठा हूँ, अब बनाएंगे, कब जाएंगे कब पता नहीं, लेकिन देखेंगे इंशाल्लाह जा करेंगे। इसलिए आज खास जो सुबह में जब शिरकुरमा बना था तो उसके लिए थोड़ा सा अलग निकाल के रखा है बगैर शक्कर वाला, तो उसको देख कर उसे मिल कर आएंगे। डिनर टाइम फ्रेंड्स, बिरयानी बन गई है, हम लोग खा रहे बिरयानी, बच्चों लोगों का खाना हो चुका है, वो देखते बैठे टीवी, खाना खाएंगे, थोड़ा सा वॉक करेंगे, और बहुत थक गए, जल्दी सो जाएंगे। रात के 12:30 बज रहे हैं, मैं वॉकिंग के लिए बाहर आया था, तो मैंने देखा कि मस्जिद के गेट को कुफल नहीं लगा है, तो मैंने लगा दिया कुफल, और ये हमारा ईद के दिन यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको हमारे ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर हाँ तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।